कल हमने पढ़े थे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला। आज करते हैं लुकअप एंड रेफरेंसेस। ये सारे फंक्शन जैसे वी लुकअप, मैच इंडेक्स हो गया, ये सारे जो लुकअप एंड रेफरेंसेस के फॉर्मूला हैं, ये ज्यादातर एड्रेस पे और डेटाबेस के साथ वैल्यू को लुकअप करने के काम आते हैं। इसका पहला फंक्शन जो है एड्रेस। अब आपको कोई एड्रेस क्रिएट करना है, जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट रो नंबर और फर्स्ट कॉलम नंबर ये है, और ये हमारा फर्स्ट रो नंबर एंड सेकंड कॉलम नंबर है। तो आप जस्ट यहां से इसको दे दीजिए, ये आपका एड्रेस क्रिएट करके दे देगा आपको। इसका यूज कहाँ पे होता होगा बताऊंगा। इसमें इसका ऑटोमेशन वगैरह में ज्यादातर यूज होता है एड्रेस का। जैसे कि ऑफसेट का यूज आपने ऑफसेट का आपने वीबीए में देख रहे हैं यूज हो रहा है। हाँ, तो ऐसे ही इनका अलग अलग ऑटोमेशन में यूज हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से हम कोडिंग करते हैं वीबीए में उसी तरह से फॉर्मूला पे भी वर्क करते हैं। तो दूसरा फंक्शन है एरियाज। इसी तरह इसका भी यूज होता है, बट इसमें ये रेफरेंस मांगता है। इसमें मैं एक और ब्रैकेट के अंदर रेफरेंस देता हूँ कुछ, तो जितने रेफरेंस दूंगा ये मुझे उसके नंबर बताएगा। जैसे मैंने तीन रेंज दी तो तीन बता रहा है, ठीक है जी। इसका वैसे कोई खास यूज है नहीं, मैंने आज तक एरियाज का यूज कभी किया नहीं। चूज का फंक्शन है। चूज का फंक्शन काफी अच्छी तरह से यूज होता है। जैसे हम एक लेते हैं, इसमें जनवरी, फरवरी, ये एक मेरे पास लिस्ट है मंथली, ठीक है जी। अब चूज के फॉर्मूला के फॉर्मेटिंग क्या है। चूज में पहले लेता है इंडेक्स नंबर। सपोज मैं कोई भी इंडेक्स नंबर देता हूँ, देन इसमें बोलता है वैल्यू 1, 2, 3, 4 वैल्यूज दे सकते हैं हम। तो इंडेक्स नंबर क्या करता है, इसके बेस पे जैसे मैंने 1 पास किया तो यहाँ पे 10 रिटर्न कर देगा, 2 पास किया तो 20 रिटर्न कर देगा, 3 पास किया तो 30, इसकी पोजीशन वाइज यहाँ से वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे 1 पास किया 10 रिटर्न कर रहा है, 2 पास करूंगा 20 रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से वर्क करता है। सपोज इसमें रेफरेंसेस दे सकते हैं। रेफरेंसेस हाँ दे सकते हैं। कैसे देंगे मैं बताता हूँ उसको। जैसे रेफरेंसेस दे सकते हैं। अब मेरे को एक फॉर्मूला की शेप में ये सारा डालना है। अगर मैं टाइप करूंगा चूज के अंदर, मान लीजिए मैंने यहाँ से इंडेक्स नंबर ले लिया और यहाँ पे वैल्यू जनवरी फरवरी टाइप करूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा। इस तरह से मुझे टाइप करनी पड़ेगी, तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब देखिए कई बार हमें ऐसे काम करने होते हैं तो किस तरह से करते हैं। इसको मैंने इतने तक वाइड कर लिया ताकि अगर ये एक सेल में आए तो यहां तक आ जाए। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, होम पे जाऊंगा और यहां पे है मेरा फिल में जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करेगा, सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ दे देगा एक सेल में। ये आपने पहले कभी किया है?
तो अब मैंने जस्टिफाइज तो कर दिया, मैं इसका दूसरा यूज बता देता हूँ। अगर मुझे वापस वैसे ले जाना है तो मैं इतनी रेंज करूंगा कि उसमें एक ही वैल्यू आए, देन अगेन फिल में जाके मैं जस्टिफाई करूंगा और ये मैसेज बॉक्स आएगा इस तरह से, ये वापस सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है जी, तो जस्टिफाई का फंक्शन कई बार हमें दो तीन सेल के एक ही सेल में चाहिए होता है, ये प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इस टाइम आप जस्टिफाई यूज कर सकते हैं, फिल में जाके जस्टिफाई होता है। ठीक है जी, अब जस्टिफाई तो हो गया ये, अब फॉर्मूला लाइक बनाना है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास हर जगह चाहिए, तो मुझे मैं क्या करूंगा, इसमें एक चीज कॉमन है स्पेस, हर एक का सेपरेशन स्पेस से हुआ है, तो फाइंड रिप्लेस के जरिए मैं स्पेस फाइंड करूंगा और उसको रिप्लेस करूंगा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, इससे रिप्लेस करूंगा, सबके आगे इन्वर्टेड कॉमा लग गया, एक्सेप्ट ये पहले और लास्ट क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था, यहां मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, अब यहाँ पे चूज का फॉर्मूला लगा दूंगा, अपना इंडेक्स नंबर में रेफरेंस दे दूंगा और बाकी वैल्यू मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, फॉर्मूला को ड्रैग कर दूंगा। अब इसमें क्या है, जैसे आप नंबर बदलेंगे मंथ बदलेगा, ठीक है। चूज का यूज हम ऑटोमेशन के लिए भी करते हैं, ऑटोमेशन के लिए बहुत अच्छा यूज होता है। कैसे करेंगे, जैसे आपके पास एक लिस्ट है, एक लिस्ट है नंबर्स की, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं स्मॉल और लार्ज। स्मॉल क्या करता है, इसको हम एरे देंगे और के मतलब ये, मैं इसमें अगर एक दूंगा तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू दे देगा, दो दूंगा तो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू दे देगा, तो इस तरह से दे देगा। अगर मैं इसको रैंक वाइज बनाऊं, और यहां से के जो है मैं यहां पे ले लूं, ये ले लिया मैंने, तो ये वैल्यू आपकी सॉर्टेड हो गई सारी। एक सेकेंड, मैंने यहां पे इसको लॉक नहीं किया है, मैं फ्रीज कर दूंगा, डन ड्रैग करूंगा, तो मेरे को ये वैल्यू सॉर्टेड वे में दिखाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉल की तरह ही आपके पास एक लार्ज फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें भी के वही है, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, मैं इसको लेके F4 प्रेस किया, ये ले लिया, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में स्मॉल और लार्ज से मैंने सॉर्ट कर दी। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, जैसा कि मैंने एक लिस्ट में दिखाया था, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक लिस्ट कर देता हूं, डेटा वैलिडेशन से एक लिस्ट कर दे, लिस्ट में क्या डाल देता हूं, ASC एंड DSC। अब इसमें दो वैल्यू आ गई, ASC और DSC। ओके, यहां पे अब मैं चूज फॉर्मूला लगा देता हूं अपना, वन सेकेंड, मैं जरा कॉल अटेंड कर,
अब मैं इसमें क्या करता हूँ, चूज का फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ से असेंडिंग, यहाँ से डिसेंडिंग, मैं क्या करता हूँ कहीं पे एक इंडेक्स नंबर के लिए अपने छुपी हुई फील्ड में यहाँ दे देता हूँ। इफ अगर मेरी ये वाली वैल्यू जो डेटा वैलिडेशन से आ रही है इक्वल टू ASC है तो ये वन रिटर्न करे, अदरवाइज मेरे को टू रिटर्न कर दे। ठीक है जी, यहां लगा दिया मैंने। अब मैं जो अपना काम कराऊंगा उसको मैं यहां करा देता हूं, या फिर मैं यही करा देता हूँ। चलिए तो मैंने क्या करना है, चूज के अंदर रेफरेंस पोजीशन यहां से लेनी है इंडेक्स नंबर, और जो अभी DSC है DSC के लिए लार्जेस्ट, डिसेंडिंग के लिए लार्जेस्ट, तो मैं लार्ज फॉर्मूला लगा देता हूँ। के मैं यहां से ले लेता हूं, इधर से ये फॉर्मूला बन गया मेरा एक, और दूसरे में मैं लगा देता हूं स्मॉल, इसको चूज करके इसको फ्रीज करके F4 सेट किया मैंने। के मैं यही वाली वैल्यू ले लेता हूं, ये बंद ये बंद। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ओके चूज में इसको फ्रीज करना पड़ेगा मुझे, ये फ्रीज कर दिया। ठीक है जी, अभी मेरे ख्याल से उल्टा हो गया, मैंने दो की जगह एक कर दिया, एक की जगह दो कर दिया, तो इसको फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, यहां से स्मॉल यहां दे देते हैं, लार्ज यहां दे देते हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है मुझे, यहां से चूज करूंगा डिसेंडिंग तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरी ऑटोमेटेड हो गई। डैशबोर्ड में इसी तरह से काम करते हैं। ये पूरा का पूरा एरे लेके आता है ना यहाँ पे, एरे वैल्यू से कंसीडर करता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, पहले आपको रेंज देनी पड़ेगी, देन उसके अंदर क्या करता है ये लार्ज का फॉर्मूला, जैसे रेंज देनी पड़ेगी और के मींस फर्स्ट लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट जो भी है फर्स्ट वैल्यू उसकी रैंक चूज करनी पड़ेगी आपको। तो चूज के अंदर क्या होता है, एक इंडेक्स के बेस पे जैसे यहाँ पे से एक दो शिफ्ट हो रहा है तो एक आता है तो स्मॉल का फॉर्मूला चला देता है, दो आता है तो लार्ज का फॉर्मूला चला देता है। ठीक है जी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, जैसे ये मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं E1 के जो पोजीशन है इसके फॉर्मूले से ले लेता हूँ, यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लगा रखा है इसको फिक्स कर देता हूँ मैं, और यहाँ से जो फॉर्मूला है वो उठा के मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ की जरूरत नहीं मुझे। ठीक है जी, मेरा एक फॉर्मूला बन गया यहाँ, चूज इफ F2 इक्वल टू ASC तो 1 अदरवाइज 2, फिर ये इस इंडेक्स के बेस पर स्मॉल और लार्ज में से डिसीजन ले लेगा कि फर्स्ट वाला चलाना है सेकंड वाला चलाना है। तो मुझे क्या करना है, खाली यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको चेंजेस डायरेक्टली दिखाई दे जाएंगे। ठीक है जी, तो चूज का बहुत काम का फॉर्मूला है।
आप ऐसे मतलब पूरी लिस्ट बना सकते हैं और उस लिस्ट के बेस पे यहाँ पे वैल्यू शो करा सकते हैं। ठीक है दिस विल जी। बी वर्क ओनली फॉर नंबर्स नो? नहीं, किसी के लिए भी वर्क करेगा ये लार्ज स्मॉल। हाँ बेशक है, लार्ज जो और स्मॉल जो है वो आपके इसके लिए ही वर्क करेगा। क्या नाम है, नंबर्स के लिए हाँ नंबर्स के लिए। पर ये जो चूज फॉर्मूला है आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो चूज फॉर्मूले का यूज बताया मैंने, अब चलते हैं यहाँ पे कॉलम और कॉलम्स दो आपके सामने फंक्शन दिख रहे हैं। कॉलम और रो दो फंक्शन होते हैं। कॉलम में क्या करेंगे, जैसे ही कॉलम का फॉर्मूला डालेंगे वो करंट कॉलम नंबर बता देगा, जैसे ये फोर्थ कॉलम है ये बता देगा। रो क्या करती है, करंट रो नंबर बता देती है। अगर आप कॉलम या रो में किसी चीज का रेफरेंस दे देते हैं, मैंने मान लीजिए यहाँ का रेफरेंस दे दिया, तो वो रेफरेंस का कॉलम नंबर बता देगा। इसी तरह रो में आपने रो का रेफरेंस दे दिया किसी सेल का, तो उसकी रो नंबर बता देगा ये। ठीक है जी। अब इसका अच्छा खासा यूज है। कहाँ यूज करते हैं हम इसको, जैसे हम लोग कोई भी वैल्यू, कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो सीरियल नंबर देते हैं। ठीक है। अब सीरियल नंबर में ये दिक्कत आपके साथ बहुत आती होगी, जैसे मान लीजिए इस लिस्ट में से कुछ डिलीट करना है तो ये सीरियल नंबर डिस्टर्ब हो जाता है, अगेन आपको या तो ड्रैग करना होता है या फिर से सेट करने होते हैं सीरियल नंबर। तो यहाँ के लिए आप रो को यूज कर सकते हैं। तो रो का फंक्शन आपने यूज किया। अब इसमें क्या बेनिफिट है, रो नंबर वही रहेगा बेशक आप डिलीट कर ले, 5 डिलीट किया पर 5 रो नंबर तो रहेगा ही, तो आपका ये जो है सीरियल नंबर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। पर आप कह रहे हैं कि मैं जो शुरुआत करता हूँ वो यहाँ से करता हूँ, ऊपर मान लो कभी भी कुछ लिख सकता हूँ, मान लीजिए यहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है, कहीं से भी करनी, तो उस केस में क्या करेंगे, तो सिंपल एक लॉजिक लगाएंगे। मान लीजिए आपको यहाँ से शुरुआत करनी है तो इसके ऊपर वाला जो रो नंबर है वो इससे माइनस कर दीजिए, जैसे 6 के ऊपर 5 है तो रो -5 कर दीजिए और इस फॉर्मूला को ट्रैक कर दीजिए। ठीक है जी। ऊपर वाला मैं डिलीट कर लेता हूँ, तो ये सीरियल नंबर आप की तरह आपका काम कर जाएगा। इसी तरह से आप कॉलम में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपका सीरियल नंबर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा इसमें। एक और चीज करेंगे इसके अंदर, हाँ तो सर अभी इसको थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ। अब मान लीजिए क्या करते हैं, ये सीरियल नंबर तो है पर ये अब सीरियल नंबर ड्रैग करना और ये दिखता रहे, ये थोड़ा सा ये तो नॉर्मल लोग करते हैं, हमारे लिए क्या है। मैं इसके साथ एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, इफ अगर हमारे इसके साथ वाली सेल जो है, मतलब इसके साथ वाली सेल इक्वल टू ब्लैंक है तो ये ब्लैंक रहे, अदरवाइज ये फॉर्मूला चला दे। ठीक है जी। मैंने कहा कि अगर ये वाली सेल ब्लैंक है तो ब्लैंक करते, इस फॉर्मूले
फॉर्मूला को मैं लिंक किया करती हूँ। तो इसका फायदा क्या हुआ, जब तो मैं नीचे वाले डिलीट करूंगा तब ठीक है, जैसे जैसे मैं टाइप करता जाऊंगा ये सीरियल नंबर आते जाएगा। ये इस तरह से आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं सीरियल नंबर। आगे देखते हैं, एक हमारे पास होता है हाइपरलिंक का फॉर्मूला। हाइपरलिंक का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी चीज को वैसे हाइपरलिंक करना हो तो कैसे करते हैं, जैसे मैंने गूगल टाइप किया, मैं इसके साथ हाइपरलिंक करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके हाइपरलिंक में जाऊंगा, शॉर्टकट है कंट्रोल के, और या तो कोई मैं इसमें एड्रेस दे दूंगा www.google.com करके दे दिया मैंने, अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो गूगल खुल जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल हाइपरलिंक रहा, हम इसको फॉर्मूले की तरह भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने टाइप किया गूगल, यहाँ पे मैंने टाइप किया रेडिट, यहाँ पे मैंने टाइप किया OLX, यहाँ पे मैंने टाइप किया फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, हाइपरलिंक का फॉर्मूला जो लगाऊंगा उसमें पहले तो लिंक लोकेशन मांगेगा, इस लिंक लोकेशन को मैं क्या करता हूँ www. तो यहाँ पे क्लोज किया, कंकैटिनेट कर दिया इसके साथ, एंड देन कंकैटिनेट किया .com के साथ। ठीक है जी, अब फ्रेंडली नेम जो है, जो इस हाइपरलिंक पे नेम दिखाना चाहे मैं गूगल ही दिखा दू चाहिए, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये कह रहा है एड्रेस इज नॉट वैलिड, क्यों, क्योंकि हम नॉर्मली एड्रेस ब्राउजर में ये चीज करते हैं, असल में जो लोकेशन होती है वो ऐसे डिसाइड होती है HTTP। गूगल खुल गया, रेडिट खुल गया, कोई वो अपने लिंक्स को ऑटोमेट कर सकता हूँ। आप इस तरह से कर सकते हैं, इनको लिस्ट में डाल सकते हैं, तो उसी तरह की लिस्ट मैंने दिखाई, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप में, और इसको हम कर सकते हैं फ्रेंडली नेम में, इसको कर देते हैं गो, गो कर दिया मैंने। ठीक है, और ये मैंने क्या किया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ, और अपना वही डेटा वैलिडेशन वाला लिंक वाला जो यूज करता हूँ, डेटा वैलिडेशन का लिस्ट का यूज करता हूँ ना, यहाँ से लिस्ट ले लिया मैंने, और सोर्स में मैंने ये डाल दिया, ओके कर दिया। अब इसमें जो आएगा, मैं यहाँ से सिलेक्ट किया गूगल, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो गूगल खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ और चूज किया, वो पे क्लिक किया तो वो खुल जाएगा।
ऑटोमेशन में इसका बहुत अच्छा यूज है, जो भी बनाना चाहे, डैशबोर्ड बनाने में इन सबका अच्छा खासा यूज है। हाइपरलिंक फाइल कर सकते हैं। हेलो, हेलो संदीप, कैन यू हियर मी? नेक्स्ट आपने ट्रांसपोज के बारे में, ट्रांसपोज हेलो मैंने पेस्ट स्पेशल में बताया था, जब भी हेलो ट्रांसपोज करना हो हेलो तो हम क्या करते हैं, अभी पेस्ट स्पेशल के थ्रू करते हैं। हाँ जी, किसी भी फाइल के साथ भी हाइपरलिंक कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, बस वो जो एड्रेस है वो आपको वहाँ वो देना होगा। फाइल में क्या करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ से चले गए, यहाँ से कोई भी फाइल है, फाइल को, प्रोग्राम को, किसी चीज को, जैसे ये चीज है, इसको करना है, तो आप इसको लेके और फाइल नेम डाल दीजिए, आ जाएगा एक्सेल के अंदर। यहाँ तक ले लिया मैंने, हाइपर लिंक, लिंक लोकेशन में मैंने ये दे दिया, फाइल का नाम मैं इसी तरीके से दे दूंगा, जो भी फाइल मान लीजिए ये चलाना चाहता हूँ, डॉट पीडीएफ, मेरी फाइल खुल जाएगी, कोई भी फाइल कर सकते हैं। डायरेक्ट उसका पाथ दे दीजिए थैंक फाइल यू। नेम पे। तो हम लोग ट्रांसपोज करते थे, ट्रांसपोज में क्या करते थे, जैसे कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल में जाके मैं, हमारे पास ट्रांसपोज का एक ऑप्शन था, तो एक तो हम ये देख लेते हैं, दूसरा हमारे पास फंक्शन है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करना पड़ता है, हमें सिलेक्ट करना होता है, अभी ये कुछ नहीं दिखाएगा, आप इसकी रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, F2, एडिट में आए और हम क्या प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, एक एरे फॉर्मूला की तरह वर्क करता है। एरे फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा, फॉर्मूले के लास्ट में, इतना ध्यान दीजिए कि एक फॉर्मूला ओके जो है मल्टीपल सेल पे लगता है, किसी भी सेल पे जाएंगे सेम फॉर्मूला होता है, और बीच में से किसी वैल्यू को आप डिलीट करना चाहें तो नहीं डिलीट कर सकते, कंट्रोल शिफ्ट एंटर के थ्रू ये फॉर्मूला लगता है। अब इसमें खास बात क्या है कि अगर बीच में कुछ भी चेंज होता तो वहां नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा, ठीक है जी। तो ट्रांसपोज फॉर्मूला हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी क्या कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मेरे को शायद स्पीकर ऑफ था मेरा। नहीं, वही क्वेरी थी, मैं इसीलिए चैट पे डाला आपको। अच्छा, ठीक, तो
हमने ट्रांसपोज का फॉर्मूला यूज किया, बाकी के आगे के फॉर्मूले देखते हैं। एक इसमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला है, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला हमारे पास आगे यूज में आएगा। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। सपोज मैंने यहाँ पे A1 लिख दिया, या मैं कर देता हूँ यहाँ जैसे B2 में मेरा नेम है ना, B2 लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया मैंने, तो इनडायरेक्ट के फॉर्मूले के जरिए मैं इस टेक्स्ट को रेंज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। रेंज में कन्वर्ट करते ही क्या उठा लेगा, ये वहां की उस रेंज की वैल्यू उठा लेगा। सपोज मैं यहाँ डालता हूँ C2, ठीक है जी, C3, तो एड्रेस के फॉर्मूला से हम ऐसा एड्रेस बना लेते हैं, पर एज वो जो एड्रेस निकलता है वो मेरे ख्याल से टेक्स्ट ही होता है। देखते हैं एड्रेस का फॉर्मूला एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या ऐसा करता है। एड्रेस का फॉर्मूला हमें एड्रेस तो दे रहा है, पर क्या वो वाकई काम कर रहा है। अब इसने एड्रेस तो दिया, पर इक्वल टू करके अगर हम लेना चाहें तो नहीं लेता है। इसमें कन्वर्जन के लिए हमें इनडायरेक्ट चाहिए होता है। यहाँ से मतलब इनडायरेक्ट का फॉर्मूला ये टेक्स्ट निकाल रहा है, यहाँ तो गड़बड़ कर रहा है। B1 पे 0 वैल्यू है ना, सही हो रहा है। अच्छा, B2 करना था, ठीक है सर। तो इनडायरेक्ट और एड्रेस को आप चाहे तो कंबाइंड कर सकते हैं इस तरह से एक्चुअल रिजल्ट के लिए। सर इसके कुछ और एग्जांपल मिलेंगे किसके, ये एड्रेस और इनडायरेक्ट के? इनडायरेक्ट की आप फंक्शनैलिटी समझ लीजिए, इसका बहुत यूज होने वाला है हमारे एरे फॉर्मूला, ठीक है जी। अब जैसे एरे फॉर्मूला में क्या होता है, मल्टीपल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो मैं कहीं से जैसे एक मैंने डाल दिया कि B कॉलम है, इनडायरेक्ट में मैंने B ऐसे डाल दिया, कंकैटिनेट किया, बी एंड मैं यहां से ले लेता हूँ यहाँ पे मन जो भी, ठीक है जी। तो एक डायनेमिक लिंक क्रिएट कर सकते हैं यहां से, ठीक है जी। इसका ऐसे ही यूज होगा, आगे देखेंगे उसमें किसमें होगा, एरे फॉर्मूला में ये ज्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जो बचे हुए हमारे फंक्शन है वो सारे आपके वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, इंडेक्स, ऑफसेट। सबसे पहले करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप किस तरह से वर्क करता है, नेम, सिटी, सेल्स,
यहाँ पे मैंने एक डेटा बना लिया, ठीक है जी। VLOOKUP आप लोगों को आता है पहले से? हाँ VLOOKUP में क्या होता है कि हमने ना कुछ एम्प्लॉयज की आईडी डाल रखी है यहाँ पे, एम्प्लॉय कोड जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और उनकी डिटेल बना रखी है ऐसे, ठीक है जी, कि इस एम्प्लॉय आईडी ने इतनी सेल की है, ठीक है जी। अब क्या है कि लुकअप जो है आपका सिलेक्टेड डेटा सर्च करने के लिए काम आता है। जैसे आपके पास 1000-2000 एम्प्लॉय हैं, और उसमें से कुछ एम्प्लॉय मतलब 100-150 आपके बॉस ने आपको निकाल के दे दिए उनकी आईडी कि इनका डेटा चाहिए। अब क्या है कि सिंगल सिंगल करना हो तो आप कर लेंगे, कम हो जैसे 3-4 हैं तो मैन्युअली कर लेंगे, पर जब ये संख्या 1000-1500 या 100-150 जैसे मैक्स बढ़ती है और डेटा बड़ा होता है, तो उसमें से ये फंक्शन जो है, जो मैनुअल वर्क है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं VLOOKUP फंक्शन। अब VLOOKUP से मैं इनकी डिटेल उठा के यहाँ ले आऊंगा, ठीक है जी। VLOOKUP में VLOOKUP फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें चार पार्ट होते हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू वो होती है कि जिसके बेस पे हमें सर्च करना है। किसके बेस पे सर्च करना है? हमने एम्प्लॉय आईडी ढूंढनी है, क्या ढूंढना है और फिर किस में ढूंढना है, टेबल एरे। और टेबल एरे में आपका पूरा का पूरा ये डेटा आ जाएगा, जितना आपका डेटा होगा वो सारा आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर होता है कॉलम की पोजीशन आपके सिलेक्टेड डेटा में। मान लीजिए अगर ये डेटा इस तरह सिलेक्टेड होता तो फर्स्ट कॉलम ये होगा हमारे लिए, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, पर अगर ये इस पे इस तरह से मैंने सेट कर रखा है तो फर्स्ट ये कॉलम हुआ, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो अब मुझे नेम चाहिए, मीन्स सेकेंड कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स जो होगा 2 होगा। देन हमारे पास रिजल्ट एक अगला आता है रेंज लुकअप, ट्रू और फॉल्स। ट्रू होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, ट्रू जब भी डालेंगे तो क्या करेगा, अगर वो मिला मिला ठीक है, नहीं तो आसपास की वैल्यू उठा के दे देगा, वैल्यू मतलब रिजल्ट आपका गलत हो जाएगा। ट्रू का यूज हम करेंगे और बाद में, पहले देखते हैं इसका जो एग्जैक्ट मैच के थ्रू होता है वो फॉल्स, फॉल्स डालना पड़ता है उसके लिए, फॉल्स या जीरो डाल सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट डेटा उठा के दे देगा। एक बार फिर देखते हैं कैसे लगाया हमने VLOOKUP। पहले एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट की, क्या ढूंढना है, फिर टेबल एरे किस में ढूंढना है, कॉलम इंडेक्स हमारा इसमें सिटी है, थर्ड कॉलम इंडेक्स है, 3 डालेंगे, एंड जीरो या फॉल्स, तो आपकी सिटी आ गई। अब क्या करना है, मैं इसको बार बार हर एक में तो लगा नहीं सकता, थोड़े बहुत कॉलम हो तो मैं लगा लूंगा, जो ज्यादा हो तो दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा फ्रीज कर लेता हूँ, डेटा को फुल्ली फ्रीज कर लेता हूँ, कॉलम रो दोनों। ये फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पता है कि मैं फ्रीज कैसे करता हूँ? हाँ नहीं पता। तो चलिए इसको मैं फ्रीजिंग का ही पहले बता देता हूँ, क्योंकि इस चीज में कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। सपोज मैं यहाँ से कोई सेल रेफरेंस लिया मैंने, ठीक है जी, अब मैंने सेल रेफरेंस लिया A2। अब जब मैं इसको जिस साइड ड्रैग करता हूँ, अगर राइट में ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये मेरा सेल रेफरेंस जो है A2 से इधर बदल के B2 हो गया, इधर बदल के C2 हो गया, इधर बदल के D2 हो गया। मतलब जिस तरफ अगर मैं कॉलम में बढ़ रहा हूँ तो रेफरेंस जो है कॉलम में बढ़ेगा, इसी तरह अगर मैं माइनस में जा रहा हूँ तो रेफरेंस भी कॉलम में माइनस जाएगा, इसी तरह जब मैं इसमें नीचे बढ़ता हूँ, रो में बढ़ता हूँ, तो ये अपने रो में बढ़ने लगा, A3, A4, A5, A6। तो A होता है कॉलम, ये जो कॉलम है और इधर रो है, इसमें सीधा सा फंडा है कि उसके आगे डॉलर लगा दो जिसको आप बढ़ने से रोकना चाहते हो।
अगर मुझे कॉलम को बढ़ने से रोकना है तो मैं इस कॉलम के आगे डॉलर लगा दूंगा। अब मैं ट्रैक करूंगा तो ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है जी। पर रो में देखूंगा तो रो में बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम, कॉलम हमारा फ्रीज हो गया, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है जी। पर जब मैं नीचे बढ़ रहा था तो ये 3-4 ओपन था। तो सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है, जिसको बढ़ने से रोकना है उसके आगे डॉलर लगाना है। अब मैंने क्या किया, रो के आगे डॉलर लगा दिया। अब मैं ट्रैक करूंगा तो ये वही रहेगा, ठीक है जी। तो रो कॉलम दोनों फ्रीज हो गए। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए खाली रो रो को ही फ्रीज करना है, कॉलम नहीं करना, ठीक है जी। तो कॉलम के आगे से डॉलर हटा दिया। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये होता है फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है, जब तो मैं डेटा ड्रैग करूंगा तो कौन कौन से रेफरेंस यूज हो रहे हैं, एक तो लुकअप वैल्यू का, एक ये डेटा टेबल एरे। जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये लुकअप वैल्यू भी खींच जाएगी इधर और टेबल भी खींच जाएगा, तो सारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इस वजह से अब वी लुकअप का फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग करूंगा क्योंकि मुझे ये वैल्यूज चाहिए होती है, पर इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है। तो इसलिए मैंने इसमें रो जो है खुली छोड़ दी है ताकि मैं नीचे ड्रैग करूँ तो वो बढ़ सके, यहाँ का रेफरेंस ले सके। और मैंने टेबल एरे फुल्ली फ्रीज किया है, रो कॉलम दोनों में, ठीक है जी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं इसको ड्रैग कर दिया मैंने, अब क्या करूंगा, सिटी में जाके मैं खाली कॉलम इंडेक्स चेंज कराऊंगा, 3 कर दिया, यहाँ पे जाके मैंने 4 कर दिया। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से डबल क्लिक किया, ड्रैग कर दिया। तो आपका जो वैल्यूज है वो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आईडी चेंज होती है तो आपकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को भी हम ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं, पर इसके लिए हम करते रहेंगे क्योंकि वीलुकअप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। सबसे ज्यादा एग्जांपल्स वी लुकअप के ही होते हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह से सबसे ज्यादा वी लुकअप यूज होता वी लुकअप की एक लिमिटेशन है कि इसमें वैल्यू आप लेफ्ट टू राइट सर्च कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं कर सकते। सपोज अगर यहाँ पे आईडी है और अगर इस साइड कोई वैल्यू है तो मैं इसको गेट नहीं कर सकता कि मैं अगर माइनस लगा के लेना चाहूं तो नहीं ले सकते, ठीक है जी। तो वी लुकअप खाली लेफ्ट टू राइट चलता है और लेफ्ट मोस्ट वैल्यू के बेस पे ये आपको उसके आगे का डेटा देता है, ठीक है जी। एच लुकअप भी सेम इसी तरह होता है, पर एच लुकअप में क्या होता है कि ये रो नहीं कॉलम सर्च करता है। सपोज आपका डेटा, मतलब आप सर्च लाना यही चाह रहे हैं, पर आपका डेटा जो है वो कुछ अलग तरीके से है, आपका डेटा इस तरह से है, आईडी ऐसे, नेम ऐसे। तो यहाँ पे आप एच लुकअप लगा सकते हैं। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजेंटल लुकअप। अब मुझे इसमें करना हो तो मैं क्या करूंगा, एच लुकअप पैरामीटर सेम है, लुकअप वैल्यू टेबल एरे में, ये टेबल एरे मैंने सिलेक्ट, ये सिलेक्ट करूंगा। अब उसमें कॉलम इंडेक्स था, इसमें रो इंडेक्स है, मतलब जैसे ई आई डी नेम सिटी, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। तो यहाँ पे हमारा सेकंड रो में से मैं रिजल्ट ले रहा हूँ, सेकंड रो एंड फॉल्स या जीरो। तो आपका डेटा इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं फ्रीज कर लूंगा। ठीक है जी, मैं इसको ड्रैग करूंगा और सेम वही कॉलम इंडेक्स जैसे बदले थे वैसे ही रो इंडेक्स बदल दूंगा।
3 और 4। वी लुकअप एच लुकअप इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। बाकी कल मैं आपको इनके एडवांस यूज बताऊंगा, वी लुकअप एच लुकअप के अलावा मैच इंडेक्स और वी लुकअप के ही और अदर एग्जांपल्स, ठीक है। ठीक है सर, तो आज का सेशन एंड करते हैं। संदीप वीडियो भेज देना प्लीज। हाँ जी हाँ जी, अभय जी, अभय जी की आईडी मैंने ली थी क्या? बाकी सब की तो मेरे पास है। अभय जी अपनी आईडी दे दीजिए। हाँ जी सर, भी